है फाइनली एंट्रेंस जो है ऋषभ भाई, तो आप पशु पक्षी गोद लेने के लिए योजना और क्या क्या यहाँ पर जानवर हमें देखने को मिलेंगे या? मारे लिख रखा है यार इन्होंने शेर का है कार्यालय वन्य प्राणी। तो चलो आज देखते हैं, मेन गेट है। अभी हम इसलिए हंस रहे हैं कि अभी हमारी फट गई थी क्योंकि दो मोटे मोटे बंदर ना जो भट्टा मारने के लिए आगे आए। ठीक है ठीक है, बहुत खुशी हुई भाई। मेरे को भी यार ना? हो रहा सिंह वाला। अच्छा ऋषभ कैसा लगा बता, आया मजा? तो चल चलते हैं फिर आगे। ये लगा तो रखा यार इन्होंने, यार क्या है वैसे इस पे? दिखाइयो यहाँ से कैमरा अंदर घुसा के क्या है। तो गाइस शेर और हिरन को देखने के लिए हम तीन दोस्तों की तिगड़ी बाइक पर सवार होकर पहुंचे हिसार के डियर पार्क में। पर क्या कुछ हमारे साथ बना और बहुत ही मुसीबतों का हमने सामना किया, वीडियो को एंड तक देखना, आपको मजा आ जाएगा। तो गाइस आज का व्लॉग शुरू करते हैं और व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डियर पार्क आए हैं हम, हिसार शहर के अंदर धानसू रोड पे है। और सबसे पहले ये बोर्ड देख लो आप, पशु पक्षी गोद लेने के लिए योजना और क्या क्या यहाँ पर जानवर हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है लोमड़ी, उल्लू, मगरमच्छ, घड़ियाल, दरियाई घोड़ा और बहुत चिकारा, शेर भी लिखा हुआ है यार, ये क्या चक्कर है यार। और ये बोर्ड दिखा दीजिए, प्राकृतिक शिक्षा जागरूकता पैक, ये गवर्नमेंट की तरफ से है, वन्य प्राणी विभाग हरियाणा। तो ये एक गेट है इनका यहाँ पर, और चेतावनी भी लिखी हुई है, प्राकृतिक शिक्षा व जागरूक पार्क हिसार की किसी भी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाए। हम वैसे ही नहीं पहुँचाते, हम वैसे ही बहुत है। तो इसका जो मेन गेट है वो आ गया, हम दूसरे वाले गेट पे आ चुके हैं, है ना। तो चलो चलते हैं भाई। कौन कौन से हैं अंदर? शेर भी है क्या? ओनली हिरन है। बाहर लिख रखा है यार इन्होंने शेर का है। अच्छा चलो देखेंगे, चलो यार उस गेट से चलते हैं, कार्यालय वन्य प्राणी। तो चलो आज देखते हैं, मेन गेट है। अभी हम इसलिए हंस रहे हैं कि अभी हमारी फट गई थी क्योंकि दो मोटे मोटे बंदर ना जो पट्टा मारने के लिए आगे आए। तो ये मेन एंट्रेंस हो चुकी है हमारी, आगे चलते हैं। यहाँ से है क्या रास्ता यार, है ना? कहाँ से है रास्ता इसका? इधर से है शायद, आ जाओ। ओए 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 आ जा यार उधर, आ जा इधर आ जा। यहाँ से है रास्ता, क्या हाल चाल है भाइयों? बढ़िया भाई, कैसे हो? कर के आए हो मजे पूरे? बस वसूल कर लिया पैसा? बढ़िया, पैसा नहीं लगता। तो कौन कौन से क्या कुछ है देखने को यहाँ पे? अभी तो एक ही ब्लॉक खुला हुआ है। एक ही ब्लॉक है? हाँ, बाकी दूसरी वाला बंद है। ऑफ है वहाँ पे। क्यों ऑफ क्यों है? अब क्या बताएं, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हो? फर्स्ट एक्सपीरियंस। चलो फिर देख लेते हैं, नाम इन्होंने डियर पार्क रख रखा है, फिर वही दिखाएंगे ये, है ना। एक ही साइड का दिखा रहे हैं, बाहर तो बहुत कुछ लिख रखा है, ये भी है वो भी है, है ना। किस नाम? तो चलो चलते हैं, अपना चैनल तो सब्सक्राइब करा दे। करवा ले भाई का, भाई अंतरिक्ष यूट्यूबर ही है ये बनाता है। क्या बात है, ठीक है। मिलके हम बहुत खुशी हुई भाई। मेरे को भी यार। ओ ये है फाइनली एंट्रेंस जो है ऋषभ भाई, यहाँ देखते हैं अंदर। चलो देखते हैं अंदर जाके क्या कुछ है, है ना। कुछ आए हुए हैं लोग घूमने के लिए, वो देखो कितनी सारी है ना। तो ये देखिए गाइस, ये एक ब्लॉक दिखा रहे हैं आपको, है ना। तो बस इतना दूर से ही देख सकते हैं, थोड़ा क्लोजअप बनाना चाहिए था इनको, है ना। चलो आगे देखते हैं, आइए उधर से देखते हैं। इतने बड़े होते हैं ये, है ना। क्या बात है, स्पीड बहुत तेज होती है इनकी भागने में, है ना। हो रहा सिंह वाला।
अच्छा अच्छा बारह सिंह है क्या? बारह सिंह थोड़ी है, उसके बहुत सारे होते हैं सिंह, ये नॉर्मल है। रख दे ये बैक साइड में, इधर रख दे जमीन को। तो आप पहली बार आए हो लोग, आप लोग यहाँ पे? नहीं कई बार आ रही है भाई। कई बार आ रही है, तो इनका बस यही है एक सेक्शन देखने का? हाँ भाई यही है। अच्छा बाहर तो लिख रखा है इतना कुछ, मगरमच्छ वगैरह उधर है, वो है नहीं, यही पार्ट है बस। उन्होंने बंद कर रखा है उन्होंने? अच्छा वाओ, सींग के साथ कितना ब्यूटीफुल लगता है ना, स्पीड बहुत है ना ये, शेर जीतते को चकमा दे दे है ना। क्या लड़ाई कर रहे हैं? नीचे को निकल जाना बच्चे। हाँ ऋषभ कैसा लगा बता, आया मजा? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। और क्या, ये क्या हो रहा है इसकी आंख पे है? मार दिया होगा सिंह सांग, मैं खुद हूँ। कौन सी हो? पता नहीं भाई, मेरे को तो खुद नहीं पता। इतने सारे हैं ना ये देख, पूरा बड़ा बना रखा है मैदान पूरा है ना। अच्छा तो ये अंदर थोड़े झूले वगैरह लग रहे हैं, एक आधी फैमिली भी आई हुई है यहाँ पर। और अंदर एंट्रेंस करते ही मेन गेट से एक ही सेक्शन है यहाँ पे। और ये देखिए अंदर पूरा बड़ा इनके लिए रहने के लिए मैदान बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए कितने, सात आठ तो है ही यहाँ पर। वो देखो स्पीड देख इसकी यार, है ना। तो ये यहाँ पर ऋषभ और कैप्टन साहब यहाँ पर हिरनों को देखते हुए, जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, ये देखो हेलो करते हुए। व्यू प्यारा है लेकिन यार अब जब ज़्यादा जानवर ही ना हो देखने के लिए तो फिर वो दिखाता हूँ, है ना। ये देखिए इतना बड़ा सारा है ना, मैं कहीं या मैं भूल जाऊं, ओ मैं कहीं, ओए ये स्विमिंग पूल है, ओए ओए स्विमिंग पूल में लिख देते हैं 1 रुपए का सिक्का डालो और मनोकामना पूरी है। ये स्विमिंग पूल है यहाँ पे ना, मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा 1 रुपए का सिक्का डालो, अच्छा, और मन्नत मांगो। अच्छा तो चल चलते हैं फिर आगे। तो गाइस हम यहाँ आए हैं, हमने देखा बट थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगा क्योंकि ज़्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पे, बोरिंग्स है। बट हिरन थे, हिरन हमने देख लिए हैं, बट हम अभी नेक्स्ट कहीं और ट्राई कर रहे हैं शायद। मेरी बात सुनो, हम आप ये वाला सेक्शन हमने देखा, ये गेट से बाहर आए और दिखा देते हैं भी लोगों को है क्या पे, आगे थोड़ा सा दिखा देते हैं कौन से सेक्शन बने हुए हैं। थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन भी चल रही है ना, इधर कर ले। ये वाटर कूलर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एंट्रेंस करते ही ये एक ही सेक्शन बना रखा है इन्होंने, है ना। मतलब कुछ खास नहीं, हम बहुत कुछ सोच के आए थे यहाँ पर कि बहुत कुछ मिलेगा हमें देखने को। बाहर जैसे हमने शेर वगैरह के बारे में पढ़ा था, बट यहाँ शेर हो गया, शेर के बच्चे भी नहीं है। थोड़े से हम एक्साइटेड हो गए थे कि यार पता नहीं, एक्साइटेड थे हम बट मजा नहीं आया। कुत्ते बिल्ले के बच्चे भी नहीं मिले। ये लगा तो रखा यार इन्होंने, यार कॉमन माइनर रेड वैल्यूड विद बुलबुल। अरे यार फोन तो कर दे, दिखा दो लोगों को, फोन है क्या? दिखाइयो थोड़ा सा व्यू इधर का। वो देखो वो लंबे लंबे सींग वाले उधर है, वो पूरा 12 सिंह का। 12 सिंह है, वो रहा, वो रहा, सच में वो 12 सिंह है, वो रहा। 3-4 खड़े खड़े से सींग होते जिनके, है ना। 12 सिंह बोलते हैं भाई। क्या है वैसे इस पे, दिखाइयो यहाँ से कैमरा अंदर घुसा के क्या है। एक सेक्शन ये है, हाँ
ऐसी जगह पे शूटिंग होनी चाहिए है ना। पर कोई बात थोड़ी है यार, इतनी जगह इतनी सारी है और है कुछ भी नहीं है। इधर दिखाइए थोड़ा सा व्यू। तो जो भी यहाँ पे आना चाहता है, मेरे को तो नहीं लगता कोई एक बार आके दोबारा यहाँ पे आएगा। अगर आपको थोड़ी सी शांति चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हो, वरना मीना गीता तो आपको कहीं और ही मिलेगी। शांति के लिए आप यहाँ आ सकते हो। चल चलते हैं यार, कुछ नहीं है यहाँ पे। वो वाला ब्लॉक भी बंद है, हैं? देखना आगे, देखें आगे आगे कुछ हो यार। इससे अच्छा तो यार मैं बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलियन घोड़े देखने चलते हैं उसमें, है ना? अंकल से बात करता हूँ, पता 8-8 करोड़ के घोड़े हैं वहाँ पे, मैंने खुद देखे हुए हैं। कुछ भी नहीं है यार, चलो यहीं से निकलने का रास्ता भी है एक भैया।